जाने का मन नहीं करता। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज विपिन गुजेला। सो जो आज की वीडियो है ये एक इन्फॉर्मेशन की वीडियो है। काफ़ी एक बंदा है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, इंस्टाग्राम पे बहुत मैसेजेस करे उसने, और जो मैं क्यू एन ए स्टार्ट कर रखा था स्टोरीज में क्यू एन ए करता रहता हूँ, तो उसने पूछा था कि भाई एक बार सिक्योरिटी गार्ड के ऊपर एक वीडियो बना दो। तो मैंने अंकल जी से रिक्वेस्ट करी कि आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करो। सो मैं सबसे पहले तो आप लोगों को यही बोलूँगा कि यार देखो, अगर आप मेरे चैनल पर नए आते हो तो प्लीज़ अगर वीडियो अच्छी लगती हो सब्सक्राइब कर दिया करो, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे क्लिक करो, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, कमेंट करके ज़रूर बताना क्या चीज़ अच्छी लगी, और इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम पे फॉलो करो। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और एक और चीज़ बता देना चाहता हूँ कि यार देखो, मैं अगर कुएं से रिलेटेड कोई वीडियोस बना रहा हूँ, इन्फॉर्मेशन देता हूँ, इट डजेंट मीन कि मैं कोई कंसल्टेंट हूँ। तो प्लीज़ मुझसे जॉब वगैरह मत मांगा करो, वीज़ा वगैरह के बारे में मत पूछा करो कि भाई वीज़ा दिलवा दो, जॉब लगवा दो, क्योंकि ऐसे मैसेजेज आते हैं तो मैं रिप्लाई नहीं करने वाला। तो स्टार्ट करते हैं। तो हमारे साथ हैं अंकल जी। तो अंकल जी क्या नाम है आपका? फॉरन राजेंद्र कुमार नाम है। ओके, तो आपको कितना टाइम हो गया यहाँ पे? टाइम तो बहुत हो गया, 24 इयर्स हो गया हमारा। 24 इयर्स सिक्योरिटी गार्ड में जी, इसी कंपनी में आपने काम किया? इसी कंपनी में। तो मतलब कैसा एक्सपीरियंस रहा इन 24 सालों में? कुवैत को आपने काफी उठता हुआ देखा होगा। हाँ, बहुत ही गुड लगा भाई, हमको तो बहुत अच्छा लगा है। अच्छा, एक रास्ता चलोगे तो हमेशा खुश रहोगे, आज ये करोगे कल वो करोगे तो सक्सेस नहीं होगा। फिर तुम्हारी मर्जी, जो भी तुम्हारी इच्छा वो करो, मगर हमको बहुत अच्छा लगा, बहुत हमको लाइक हुआ। अच्छा, वेरी गुड हुआ, तो काफी अच्छा लगता है फिर आपको। हाँ, अपना तो फिर अभी कितने? अभी 10 साल और निकालेंगे। अभी 10 साल और निकालोगे? हाँ। तो फिर 10 साल के बाद कुछ मिलेगा कंपनी? हाँ, बोनस देती है ना, पैसा देती है। तो फिर आपको कितने घंटे की नौकरी आपकी? 12 घंटे। 12 घंटे की नौकरी, और ओवर टाइम 12 घंटे से ऊपर कुछ? हाँ, और अगर ओवर टाइम करो तो पैसा अलग आता है वो। अच्छा, कितना सैलरी वगैरह मिल जाती है? सैलरी तो है ठीक ठीक, जो भी है गुड है। अच्छा, 200 वाले लिए 200 तक आ जाता है? 200? हाँ, 200 आ जाता है। 200 आ जाता है। आप 12 घंटे नौकरी करते हैं, आपका हफ्ते में कोई छुट्टी होता है? छुट्टी होता है, जो जिस इधर ड्यूटी कर रहे हैं ये लोग छुट्टी देते हैं। अच्छा, कंपनी से हम लोग को छुट्टी नहीं मिलती, ये जो यहाँ हम लोग जिस कंपनी से ड्यूटी कर रहे हैं वो लोग छुट्टी देते हैं। अच्छा, मतलब कभी आपको इस कंपनी में कभी कोई दिक्कत आई किसी चीज़ की? नहीं, हमारे जिससे कभी दिक्कत नहीं है। चलो, हम तो यही दुआ करते हैं कभी किसी को कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत हो, अगर तुम अपनी अच्छी राहों पर चलोगे तो कभी दिक्कत नहीं होगी। गलत काम करोगे, कुछ करोगे तो गलत काम के तुमको जुर्म मिलेगा। अच्छा, कभी कभी ऐसा क्या होता है ना कि कुवैत के अंदर लोग जो काम कर रहे हैं, काफी लोग काम करने आते हैं, किसी किसी की जो है कंपनी बहुत यू नो परेशान करती है। हाँ, किसी किसी कंपनी है कि काम कराते पैसे भी नहीं देते हैं। तो उसके लिए क्या करना चाहिए? करना ये कह लीजिए, अगर तुमको कुछ बातचीत मालूम है, तुम्हारे जो आदमी हो या अपने एम्बेसी है या तुम्हारे पास कोई प्रूफ हो, जितने दिन ड्यूटी किया वो पैसे तुमको कंपनी देगी, क्योंकि हमने मेहनत किया। अगर मेहनत नहीं किया तो उसकी बात दूसरी है। तो मतलब एम्बेसी जाना चाहिए? हाँ, एम्बेसी जाओ या एम्बेसी जाओ या तुमको अरबी सब भी इंग्लिश जो मालूम है, पुलिस स्टेशन जाओ कि सर हम इतने दिन से ड्यूटी किया, काम किया, हमको पैसा सर नहीं मिला, हम कैसे क्या करेंगे, क्या खाएंगे, हमारे बीबी बच्चे माँ कैसे जिएंगे, कैसे क्या क्या होगा। सैलरी तो भाई बहुत ही कम था पहले, मगर फिर भी अभी वेरी नाइस है हमारे हिसाब से। 200 दिनार तक हो जाता है? हाँ, 200 बन जाता है, मगर अभी तो 160-170 मिलता है। रहना खाना पीना सब कंपनी का? नहीं, खाना अपना है, रहना ट्रांसपोर्ट कंपनी का है। अच्छा अच्छा, मतलब आने जाने का खाना हमारे लिए वेरी गुड है, वेरी नाइस है। चलो, मैं तो यही कहता हूँ कि अच्छी बात है। और हमको कुवैत में बहुत अच्छा लगा, मैं पहली बार आ रहा था रो रहा था मैं नहीं रहूँगा, मगर जब मैं मेहनत किया, पैसा कमाया, सब कुछ हुआ, तब से बहुत ही अच्छा। इंडिया जाने का मन नहीं करता, अगर बच्चे मान हो तो जाने की दिल ही नहीं करता है। होता है भगवान जो सबसे बड़े हैं, फिर उसके बाद पैसा है, अगर पैसा है तो हली गल रास्ते हैं, अगर रास्ता गली नहीं तो कुछ भी नहीं। बस अभी पैसा ही आज के डेट में देखो कुछ है, पैसा है तो आधे दुख तो मतलब आधे दुख तो ऐसे ही मिल जाते हैं, और अपनी मेहनत अपना सब कुछ करते हैं। दुनिया में कहीं जाओ तो कुछ करना पड़ेगा। राइट, करोगे तो मिलेगा, नहीं करोगे तो कहाँ से मिलेगा। तो जो बैठे बैठने से नहीं मिलेगा, कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। होता है जी, देखो जय श्री राम। बस, और आप रहने वाले कहाँ के? हम तो लखनऊ के रहने वाले। लखनऊ की बिरयानी बड़ी फेमस, बेस्ट नंबर वन है। और अगर कोई नया बंदा आना चाहता है तो आप कुछ बोलना चाहोगे? सिक्योरिटी में कोई आना चाहता है तो आप हैं, बॉम्बे से भी हैं और दिल्ली से भी, हर जगह आपसे वगैरह रहती हैं, कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, रास्ते बनती हैं। तो आप कैसे आए थे यहाँ पे? हम तो हमारे
हमारे सिस्टर थे उनके अनुरोध से आए थे उनको। अच्छा, मतलब नहीं आया इधर आए भी हमने बनाया अपनी मार्केट बना करके फिर कंपनी में काम किए कंपनी हमको भेजे दिए। चलो अच्छी बात है और सब कुछ बढ़िया है। चलो हम तो बढ़िया फर्स्ट क्लास है भाई। पहले ही कष्ट उठाना पड़ता है। अब होता है देखो दुनिया में कहीं जाओ। ये तो मैं भी कहता हूँ कि मैंने भी कष्ट उठाए हैं। अच्छा है सब कुछ यार, बस अपने मेहनत करते रहो, कर्म करते रहो, प्रभु का नाम लेते रहो, सब कुछ दूर हो। बात सोचो हम बैठे रहे कुछ करे नहीं तो नहीं मिलने वाले। वो तो बात सही है। दुनिया में कहीं भी जाओ और कुछ कर्म ही पूजा पूजो। बस बहुत बहुत थैंक यू है आपका। जय श्री राम। तो बस ये है अंकल जी का एक्सपीरियंस जिन्होंने 24 साल बिता दिए यहाँ पे, तो बहुत बड़ी बात है। 24 साल मैं तो कभी शायद बिता भी नहीं पाऊंगा, बट हाँ मुझे 4 साल तो हो गए हैं। नहीं अंकल जी मैंने कभी 4 साल बिताया क्या, लेकिन मैंने बस यही है मेरा भी अच्छा। 21 तारीख को 22 को इधर आए थे। अच्छा अगस्त में इतनी भीषण गर्मी हो रही थी कि बाप रे बाप। सर्दी कैसी पड़ती है? ठंडी भी होती है, ठंडी कम होती, गर्मी ज्यादा होती है। चलो बस ये अंकल जी का एक्सपीरियंस था। आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो जरूर बताना कैसी लगी ये वीडियो कमेंट करके। आज के लिए इतने। टेक केयर। जय हिंद। वंदे मातरम।